देश भर में शोभा यात्राओं का दौर जारी है, लेकिन आपको बता दें कि इन शोभा यात्राओं के साथ साथ पत्थरबाजी और इन शोभा यात्राओं में देश का माहौल बिगाड़ने का दौर भी जारी है। जी हाँ, आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह कहीं ना कहीं शोभा यात्राओं पर या तो पथराव हुए हैं या कुछ हल्की फुल्की झड़पें हुई हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही की घटना है, बारा में भी, हालांकि वो शोभा यात्रा नहीं थी, वो बारा वफात की रैली थी, लेकिन उसमें भी जानबूझ के रूट बदलने की कोशिश की गई और इस वजह से पुलिस से झड़प हुई और झड़प झगड़े में तब्दील हो गई। समझाइश के बाद में मामला शांत हुआ। हमारे साथ में VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक मौजूद हैं। अमितोष जी, देश भर में शोभा यात्राओं के दौर लगातार जारी हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई लोग गणेश जी को बिठाते हैं और फिर जब उनको विदा करते हैं तो एक रैली के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ अपने गणेश जी को विदाई देने जाते हैं। गणेश जी की शोभा यात्रा, रामदेवरा की शोभा यात्रा और कई प्रकार की धार्मिक यात्राएं अगर हम मान लें, इन यात्राओं पे पिछली सरकार की अगर हम बात करें या जहां पर कांग्रेस का शासन था वहां की बात करें, तब हमने खूब बातें कर ली कि यहां पे कांग्रेस का शासन था, इस वजह से एक समाज विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को इसकी छूट हो जाती थी। लेकिन अब तो मैक्सिमम जगह भाजपा का शासन है, उसके बाद भी कानून हाथ में लिया जा रहा है, भीड़ पे पथराव किए जा रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं। उमंग जी, जिस तरह से घटना हम सबके समक्ष आई है, शोभा यात्रा इस देश में 17 जगह उस पर हमले करे गए, ये कुल मिला के एक पिक्चर दिखाता है। पिक्चर क्या दिखाता है? ये काफिरोफोबिया, हम कहते थे कि इस्लामोफोबिया होने लगा है, लेकिन इस्लामोफोबिया के अलावा एक आगे बढ़ के काफिरों से नफरत, घृणा, उसका एक दृश्य हम सबके समक्ष आया। हम बात करते हैं सरकारों की, सरकारें पूर्व में कौन सी रही, वर्तमान में किसकी और भविष्य में किसकी होगी, उससे व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदल रही है। जिस धर्म विशेष की आप बात कर रहे हैं उसकी मानसिकता पूर्व में भी वैसी थी, वर्तमान में भी वैसी है, भविष्य में भी वैसी है। सरकारों के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके ये सोचना चाहिए कि हिंदू देश में, हिंदू राष्ट्र में, भारत में जब मुहर्रम निकाले जाते हैं तब किसी तरह की परमिशन नहीं ली जाती है, शांति से मुहर्रम निकलते हैं, लेकिन उन मुहर्रम में भी शिया सुन्नी लड़ते हैं तो पथराव हिंदुओं पर होता है, मंदिर हिंदुओं के तोड़े जाते हैं। बांग्लादेश में देखिए, सरकार से विद्रोह हिंदुओं पे ख़त्म हुआ, मुहर्रम में शिया सुन्नी में विद्रोह हिंदुओं पे ख़त्म हुआ, और हिंदुओं की शोभा यात्रा में किस आधार पे वो पथराव कर रहे हैं? आप अब मद्रास हाईकोर्ट चले जाइए, मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट था जहाँ पर एक यही विशेष समुदाय मद्रास हाईकोर्ट में जाता है और अपने जिहादीपन का एक उदाहरण देता है, कहता है कि यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकाली जाए, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि सड़क जो है वो सार्वजनिक है, कम्युनल नहीं बनाए जाए, और अगर आज किसी की शोभा यात्रा रोकते हैं तो कल को आपकी भी यात्राएं रुकी जाएंगी। ये देश का उदाहरण समझने की आवश्यकता है कि धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले लोग मौन क्यों जाते हैं जब शोभा यात्रा पर पथराव होता है। आप भीलवाड़ा का विषय देखिए, जहाजपुर में महिलाएं बैठी है, शिमला देखिए, खुद ही के हाथ से मस्जिद को तोड़ रहे हैं, कोर्ट आज वहाँ भी चुप है। आप बारा का विषय देख लीजिए, कोटा का विषय देख लीजिए, गुजरात में 6 विषय हो गए, कर्नाटक में गणेश जी को पुलिस के वाहन में रख दिया गया, ये कौन सा धर्म निरपेक्षता है? इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने आज भी ये चेताया है कि कांग्रेस सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब करा जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद इसमें संज्ञान लेगा। बिल्कुल अमितोष जी, ये विषय तो है ही, और दूसरा शोभा यात्राओं पर पथराव के साथ साथ लगातार हमारे देश में धर्मांतरण के मामले भी देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में गांधीनगर थाने में भी एक धर्मांतरण का मामला देखा गया था, जहां आप भी वहां पर मौजूद थे। और दूसरा, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो एक मकान के वाटर टैंक में पूरी की पूरी एक गाय मृत अवस्था में मिली है। ये जो स्थिति जो देखी जा रही है लगातार, क्या ये इन्हीं पथराव और इन्हीं घटनाओं का अगला पार्ट है? ये पार्ट नहीं है उमंग जी, ये उनके जीने का जरिया है और तरीका है, जैसी उनकी विचार है वैसे वो जीवन शैली में अपनाते हैं। गाय का विषय देख लेते हैं, पूरी की पूरी गाय मिली, लेकिन मैं सरकार के इसमें साधुवाद करता हूँ, प्रशासन का साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने, नगर निगम ने नोटिस दिया, बुलडोज़र चलाए, इलीगल अतिक्रमण पर जो था उस पर नोटिस दे के बुलडोज़र चलाया गया। हम आगे के विषय की बात करते हैं, वक्फ के आ जाते हैं। वक्फ के अंदर में ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं 2526 अनुच्छेद का वायलेशन होगा, लेकिन आज भारत में 8 लाख एकड़ ज़मीन अगर किसी ने कब्जा ही भी है तो वक्फ की जमीन कब्जी भी है। फिर और आगे आते हैं तो अभी आपने जो विषय बताया धर्मांतरण का, आज भारत के अंदर में 11 राज्य है जहाँ पर धर्मांतरण से संबंधित कानून बना हुआ है। एक राजस्थान ऐसा राज्य बना है जहाँ पर 2 बार धर्मांतरण का कानून राष्ट्रपति स्वीकृति से वापस से आ गया है। मैं वर्तमान सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि जल्द से जल्द राजस्थान के अंदर में, क्योंकि राजस्थान में पहला विषय नहीं हुआ,
कोटा में भी हुआ था, बारा में भी हुआ था, भरतपुर में पूरा एक रैकेट आया और झालाना में भी रैकेट आया। तो कन्वर्जन कानून जब तक राज्य में नहीं आएगा, पिनल प्रोविजन नहीं आएंगे, तब तक इससे 2 साल की ऑफेंस है, 2 साल की पनिशमेंट है, उस 2 साल में अवेलेबल हो जाते हैं और इसीलिए उनको शक्ति मिलती है। एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ राज्य की मांग है, उसको लाना चाहिए जिससे ऐसे विधर्मी लोग अपने इन कानूनों में पीछे हटे। बिल्कुल, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की यात्रा पर और हिंदुओं का धर्म कन्वर्ट करके एक विशेष समुदाय उसका फ़ायदा लेना चाह रहा है, राष्ट्र में ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग माहौल बनाना चाह रहा है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने भी एक वक्तव्य अभी हाल ही में दिया कि देश में अगर कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है, कुछ देश में गड़बड़ होता है तो वो भी हिंदू समाज पर आता है क्योंकि वही इस देश के कर्ता धर्ता हैं, देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू हैं क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं और हमारी नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है। देखिए, मोहन भागवत जी के अगर विषय को हम ढंग से देखें, उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए जिस राष्ट्र का निर्माण हिंदुत्व पे हुआ, सभ्यता पे हुआ, संस्कृति पे हुआ, उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए यही बताया है कि हिंदू की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में ही रहती है। और अगर राष्ट्र की आज विधर्मियों की ताकत बढ़ी है, आप देखिए ना, राहुल गांधी सदन में क्या कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, राहुल गांधी सदन में क्या कहते हैं कि शक्ति से लड़ना है, राहुल गांधी क्या कहते हैं कि मंदिरों में बलात्कार होते हैं। आज अगर हिंदू चुप है इसलिए उनकी ताकत बढ़ रही है। अगर हम बात करें संचालक जी के, परम पूज्य संचालक जी के वक्तव्य पे, तो यही वक्तव्य है कि जिस निर्माण के लिए हिंदू का योगदान रहा है, वीरों का योगदान रहा है, सभ्यता संस्कृति का योगदान रहा है, अगर आज हिंदू विधर्मियों को भी ताकत दे रहा है तो हिंदू चुप है। लेकिन कदम कदम पे आप देखिए, जब जब देश बटा है हिंदू एक हुआ है, जब जब धर्म पे आ चाहिए हिंदू एक हुआ है। और जिस हिंदू को जाति जनगणना में तोड़ने का राहुल गांधी ने और कांग्रेस जैसी विचारधारा ने प्रयास करा है, उसके लिए भी मोहन भागवत जी ने, संचालक जी ने कहा है, कल्याण के लिए हिंदू आगे बढ़ा है और यही देश की पहचान है, यही देश की राष्ट्रीयता है और हिंदू ही देश की पहचान है। कुल मिला के अगर बात करें पूरे देश में जो माहौल बनाने की जो कोशिश जो की जा रही है उसके बारे में एक आखिरी शब्द आप क्या कहें? जो कोशिश नहीं है ये चालाकी है और साजिश है। कोशिश तब होती है जब किसी अपराध को अंजाम नहीं दिया जाए, लेकिन यह विधर्मियों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अपराध को अंजाम दिए जा रहे हैं। निहत्ते हिंदुओं के ऊपर में पथराव करे जा रहे हैं। पथराव कहाँ से हो रहा है उमंग जी? पथराव घरों से नहीं हो रहा, पथराव उनके धार्मिक स्थानों से हो रहा है, मस्जिदों से हो रहा है, जामा मस्जिद से हो रहा है। भीलवाड़ा का विषय देख लीजिए, जामा मस्जिद से पथराव कर देते हैं और यही वो जामा मस्जिद थी जहाँ पर हिंदुओं के लिए शिवलिंग को तोड़ के भी डाला गया था। इतिहास दोहराया जा रहा है और इतिहास वर्तमान में इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि सरकारें अपनी समस्या समझे, सरकारें लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है तो ये भी समझे कि अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करी जा रही है तो धर्मनिरपेक्ष सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। जो लोग विधर्मी कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे भविष्य में विधर्मी कानून अपने हाथ में न ले। बिल्कुल, यदि हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मितोष पारेख, इनका साफ तौर पर कहना है कि धर्म निरपेक्षता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, धर्म निरपेक्षता का कानून सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि जो विधर्मी जो कानून तोड़ रहे हैं भारत के इस धार्मिक इस सांस्कृतिक विचारधारा को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, धर्म निरपेक्षता उनके लिए भी है, कानून उनके लिए भी है। तो अब ज़रूरी यह है तमाम सरकारों से, देश की सरकार से, राज्य की सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कि वह ऐसे तत्वों पर नज़र रखें और देश का माहौल जो बिगाड़ने की जो कोशिश जो चालाकी की जा रही है उसे तुरंत प्रभाव से नष्ट करें और जो भी न्यायोचित कार्रवाई है उसे करें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।